अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं तैयार होकर आपसे मिली हूँ, क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। और आज मैं बहुत अच्छी कई जगह जा रही हूँ, और मेरे साथ ये देखो बहुत सारे मेरे पार्टनर्स भी जा रहे हैं। लेकिन मैं वहाँ जाकर दिखाऊंगी, बिकॉज आज पूरा घर फैला हुआ है और मैं लेट भी हो गई हूँ तैयार होने के चक्कर में। तो मिलते हैं आपसे। बहुत ही खूबसूरत सा कैफे जामा मस्जिद के सामने खुला है। ये गर्ल्स गैंग है हमारी, एक लड़की अभी बाकी है, वो आनी अभी आ रही है, रास्ते में है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ऐवान शाही का ये जो कैफे है, गंबाद कैफे। बट कैफे की एंट्रेंस कुछ इस तरीके से है, आप यूं करके अंदर आए और फिर लिफ्ट का इंतजार करें हमारी तरह। मैं पागल हूं लिफ्ट का इंतजार कर रहा हूं, उसको वो दबाए नहीं कि वो नीचे आ जाए। तो तुम्हें पता नहीं है हमारे दिमाग में कमी है। गाइस मेरा कैमरा गंदा नहीं है, ठीक है ना, ये गंदा हो रहा है। तो नहीं है, इतनी गंदी आ रही है। चलो तो ऐसे ले लेती हूँ, ऐसे अच्छा आ रहा है। ये देखिए हम आ गए हैं, वाओ बड़ा व्यू, ओ एम जी। मतलब इस व्यू को देखने के लिए मैं इतने दिन से वेट कर रही थी, एंड फाइनली वी आर हियर, आई एम सो हैप्पी। लड़कियां जब आती हैं घरों से तो इस तरह आती हैं बुरखों में, बहन साइड हो, गुंबद कैसे होगा ना। और एक दो मिनट बाद आपको दिखाऊंगी कि होने क्या हो रहा है। और ये यहाँ का वॉशरूम है जो कि बड़ा ही अच्छा सा है। तो चले हम चेंज वेंज कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जब लड़कियां घर से आती हैं तो बुरखों में आती है, और यहाँ के इनकी ये हाल हो जाते हैं, हाय गर्ल्स कैसी है। तो आज हम दोनों बहनों का लुक कुछ इस तरीके से है। मैं बाहर जाके पूरा दिखा रहा हूँ, मैं भेजू उन्हें आज। हाँ उन्हें भेज दो। आओ, आप तो बहुत प्यारी लग रही है। Thank you. अजान हो जाए फिर। बेस्ट फ्रेंड्स आज एक साथ आई हुई, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। चेंज कर लो थोड़ी सी। फ्रेंड है, मैं और शिवा दोस्त बन गए। अगर ये दो दोस्त तो हम साथ हैं। ये जान हो यार, बस रहने दो, मेरी चिया तो जान हो। प्लीज लड़कियां हैं बेचारे को इतना परेशान कर रही है हुक्के के लिए। सही से बता दो कौन सा लगवाना फ्लेवर यार। भाई आप बता दो जो फ्लेवर बेस्ट हो लगा। तो जाफरान लगा। आपकी सीट खाली होने वाली है, आप वहाँ बैठेंगी? मैं वहीं जाने वाली हूँ, और मैं आपको वहाँ से उठाना भी जानती हूँ। अजरा मेरी जान तुम्हारे लिए, तो मैं कहीं से भी उठ जाऊंगी वहाँ से। क्यों भाई? अजरा आपकी जगह खाली होने वाली है। हाँ तो बस चल रहे वहाँ पे, वहीं जाके बैठेंगे। अजरा मैं कहाँ बैठूंगी फिर? चलो मैं खड़ी बताती हूँ, बैठ जाना सही है। नहीं आप खड़ी रहना, मैं बैठी रहूंगी। ठीक है मैं खड़ी रहूंगी, तुम बैठ जाना। अजरा तुम्हारी बूमरिंग वहाँ बनेगी, एक बहन एक वहाँ बनेगी, एक वहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी। नहीं वहाँ बैठा दूंगी तुम्हें और अपनी ड्रेस पहना दूंगी। पहले मेरी एयरपोर्ट्स कनेक्ट करा लो फिर बनाते हैं। ये नकली एयरपोर्ट्स बहन, ओरिजिनल एप्पल की है हमारी एयरपोर्ट्स। तुम्हारे मेरे फोन में ही कनेक्ट होती, तुम्हारा फोन नकली, मेरा फोन ही नकली है। फोन बदलो। बहन क्या ऑर्डर कर रही हैं हम? पनीर रियल टिक्का। पनीर अच्छा दिखता है हर जगह, जब भी पतली नहीं होती। ये मैडम देखो वीडियोस में लगी हुई है। तो सही से फिल्टर लगा के दिखाना मुझे। फिल्टर कौन कर पहले देख लो जरा। तुम्हारे लाइफ में कौन कौन जुड़ा हुआ है? अभी सब आ रहे हैं, तुम्हारे तो अपने खानदान का चल रहा है फोटो सेशन। अच्छा इस कैफे की एक बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि यहाँ फिलहाल अभी कोई गाने वाने नहीं बजे, तो मेरे उस पर कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं है, मैं इजीली बनाऊंगी सब कुछ। नहीं, हाय लाइबा, सीट नहीं मिल रही।
आप दोनों को सीट नहीं मिल रही है जो आप दोनों खड़ी हुई है। गलती की बकचोदी ज्यादा अच्छी थी बहन। मैं ना व्लॉग बना रही थी और मैंने कैमरा ऑन नहीं करा और मैं बनाती गई तो इसलिए ये लोग मुझे बक रही हैं। अभी क्या क्या बक रही है वो नहीं बता सकती आपको। तो मैं ये बता रही थी अजरा जो है ना मुझसे कह रही है पांच मेरे बूमरिंग इधर बना दो, पांच इधर बना दो, पांच इधर एंट्री पे, और कह रही है पांच इधर जहाँ से जामा मस्जिद दिखे। इसके बूमरिंग के अलावा और कुछ नहीं कराना। कहते हैं कि अजरा आप व्लॉग्स में बहुत कम दिखती है, मतलब समझ से कहते हैं, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा दिखूंगी। बेस्ट फ्रेंड के साथ में दो दो दोस्त आज मेरे साथ है और एक बहन लो ना। और मैं कौन हूँ? मैं ये देख रही हूँ आप तो मेरी बहन हो। अरे पार्टी चेंज कर, बहन प्लस फ्रेंड हो। अरे बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड तो तुम ही हो यार। कौन है? जोर से बता दो। है ये नहीं चलेगा ना। सॉरी लैबा, तुम ही नहीं बटोगी। सॉरी ब्रो, बस तुम्हें ही नहीं बांटूंगी। सब कुछ बांटूंगी आराम को नहीं। कुछ यार मुझ पे भी तरस खाए, मेरी कोई दोस्त ही नहीं है गाइस, तो मैं क्या करूँ? तो दोस्त बनाओ, बेस्ट फ्रेंड क्यों बना रही हो? अब वो है ही इतनी अच्छी कि मतलब उससे दूर नहीं रहा जा सकता ना, तो इसलिए वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। हाँ कम हियर, आप इधर आ जाओ, मैं आई हूँ व्लॉग बना रही हूँ। मेरा खाओगी शीबा? यस। अरे हम साथ के लिए कुछ खाएंगे। वेज में लोगे चिकन में? तो वेज में। सॉरी मैं ऑर्डर कर रही है, जो व्लॉग बना रहा है वो शर्मा रहा है, वो पहली बार है उसका। मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ तो सॉरी यार, थोड़ा हेजिटेशन है, बट इट्स ओके, चलता है, नो प्रॉब्लम। या क्लासिक कॉकटेल्स, चलो ये देखिए इधर फोटो सेशन चल रहा है, लड़की मुझसे काम करा रही है। हाँ पहली बार और अजरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो पनीर टिक्का पिज्जा मंगा लेते हैं, बिकॉज आप नॉन वेज हो ना। वेजिटेरियन हो आप, ठीक है। एक नॉन वेज पिज्जा, सॉरी एक वेज पिज्जा मंगा लेते हैं। और एक दही कबाब मंगा, ठीक है, उन्हें बुलाओ अब आप। और एक वो देख लो, अजरा कंफ्यूज थी बट फाइनली हो गया डिसाइड कि क्या मंगाया जा रहा है। ठीक है रोक दो बहन, दे दो। फोटो सेशन करा रही है, अजरा को पोज देने नहीं आते, लाइबा उनकी हेल्प कर रही है। कैसे करूँ, ऐसे करूँ, उधर वाले उधर वाले। और रियली बहुत ही खूबसूरत कैफे है। थोड़ा फेस प्यारा बना, क्यूट डॉल। ओ गाइस ये हमारे आ गए हैं वाइन ग्लासेस। वाओ ये वाटरमेलन नो अजरा आया है शीबा के लिए, ये मेरे लिए आया है गाइस। और हमारी तो रेड बुल है, हम तो रेड बुल ही पीते हैं। सिंपल लोग अजरा लो एक बना दो प्लीज। गाइस ये रेड बुल पी रही है अजरा लाइक अ बी। मुझे रेड बुल इस तरह ही पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, सो चीयर्स गाइस। अजरा बात बनकर खुले हैं। तो बस ये पहला ऑर्डर आया है वो है वेज पनीर पिज्जा। ये मैडम जो है वेजिटेरियन है तो इनकी वजह से हम सब वेज खाएंगे। आया है अब हमारा दूसरा ऑर्डर भी आ गया है थोड़ा सा, ये देख अनम के दही कबाब आ गए। तो दही कबाब और ये मिल गए आलू के कबाब। गाइस मैं बताती हूँ ये कबाब और ये दही, हो गए दही कबाब। गाइस मैं तो समझ रही थी वो कुरेशी वाले, मेरे को तो भूख लग रही थी। कोई बात नहीं, कुरेशी पे भी चलेंगे, कुरेशी पे भी चलेंगे। ये तो वेज है। हाँ वेज है, खाओ 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 खाओ। देख सकते हैं आप खाना पीना चल रहा है, टेबल की हालत इज वेरी वर्स्ट हो चुकी है। मैडम रील्स निकाल रही है अपने लिए, रील्स बनाने के लिए निकाल रही। इतना सारा खा लिया फिर भी कह रही है अब और खाना है। चालू हो गई वो इसमें बनाती है चारों। रेस्ट तो आनी ना, लो ना ऐसे लेना जैसे ना हम चारों आ गए, ठीक है। बच्चों देखो वो सुनो मेरी बात, गाना वाला है हमको क्या लेना। गाइस हम यहाँ जब से आए थे ना, जब से अजरा हमसे कह रही थी क्लास आराम से छुओ, मैं सबको वॉर्न कर रही थी, मैं सबको वॉर्न कर रही थी क्या आप जाहिल हो, टूटने नहीं चाहिए और मुझसे ही टूट गए। क्या आप जाहिल हो,
मुंह तोड़ दूंगी जाहिल हो। मैंने तमीज नहीं है, मैंने उन्हें बोल दिया क्या आपको तमीज नहीं है, क्या आपको तमीज नहीं है, ऐड कर देना आप, क्या आपको तमीज नहीं है, नहीं बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पहली बार आई हो? हाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। पहली बार आई हो क्या ऐसी जगह? मैंने ऐसे के लिए देख लो, अपने हाथ में ले लो और खून निकाल लो, उससे कह देना मेरा भी फट्टा लग गया, तुम पट्टी कराओ। पागल हो गया, उसका नुकसान हुआ है, बिल में देना पड़ेगा। हेलो मैं पैसे दे के जाऊंगी ठीक है ना, पर तुम्हें तमीज नहीं है ऐसी जगह पे बैठने की। देख रही हो ना, हम बिल देंगे नहीं, देख रही हो हो तुम जाहिल। उसने अपना फिल्टर लगाया था और तुम उसी के फिल्टर में पीने लगी। झूठी पन्नियों में दिया है गंदी। कोई बात नहीं, वो लड़का भी तो इंसान ही है यार, पी लिया तो पी लिया। क्या बिल आ गया, कितना बिल आया बहन? 15,000 का बिल तो आप देने वाली हो। आपकी शादी भी हम दोनों को आ रहे हैं अभी। हमारा बिल आया है और हमारा बिल अज़रा देगी। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में जाने का टाइम हो रहा है यहाँ से। अज़रा आप मेरा बिल भी दे दोगी ना? ऑफ कोर्स मेरी जान, आपका बिल बिल सब दे दूंगी मैं, सब किरी अज़रा आपका दिल दे दूंगी मैं, किसी को बिल की बात मत करो बिल्कुल भी। उनका गिलास तोड़ा मैंने तो, ये 5,000 का बिल तो देंगे। अरे गिलास का चार्ज तो नहीं लगाया। ये लास्ट ऑर्डर आ चुका है, बहुत ही प्यारा, ये दिखने में इतना क्यूट है, वैसे इसका टेस्ट भी बहुत प्यारा। मेरी ड्रेस खराब हो गई। ओह सॉरी। लो अज़रा, ये चॉप्स ऐसे लग रहा है चाइनीज़ों की जो होती है। हाँ, पहले भी यही तो अज़रा गिराए जा रही है, अब तूने इसका वो गिरा दिया। तो बहुत ही वो है, ऐसा लग रहा है पहली बार आई है किसी गांव से उठ के। अना मुंह तोड़ दूंगी मैं, लाबा का गाइस। अज़रा यहां पे कैसे ठीक है, हमारे यहाँ से हो चुका है पैकअप जो वापस तोड़ दिए इनकी। हमने तो बहुत नुकसान किया, क्या क्या कर दिया इनका। चलो ये बन रहा है वापस से मुसलमान, वापस आती हूँ जी। अब हम यहाँ से जा रहे हैं कुरैशी कबाब के। क्यों हम मोटे हलवाई के जाएंगे? वो तो मोना हमारे साथ, मैं हूँ ना, काफी नहीं है। हमारे कुरैशी कबाब कॉर्नर पे और आप देख सकते हैं किस कदर रश है इनकी कबाब खाने के लिए। ज़्यादा रश है ना अंदर, लोग वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। आपको खाने या घर वापस जाने? नहीं मैं खा के जाऊंगी जब आएंगे। ओह चाहे कितना भी इंतजार करना पड़े, बहुत ज़्यादा बाहर खड़े होकर खा लूंगी। वहाँ चल रहे हैं उसके बराबर में खड़े होकर खा लेंगे। ये देखो यहाँ क्या चल रहा है, मोहब्बत नहीं बात कर रहे हैं, मोहब्बत वाली सेम कहानियां। यहाँ पे सीटी नहीं मिली तो वापस जा। सुनाओ यहाँ पे ज्यादातर सब जगह रश मिल रहा है, तो छोटी छोटी कोई चीज खा लेते ना, लाइक स्ट्रीट फूड टाइप है ना। तो हुसैन का चिकन खा लो, ऐसे करो दरिया गंज वाले का स्पाइसी चिकन खा लेते। खाया है ना, दरिया गंज वाले का चिकन। ये फ्री का खाने लगे दोनों, फ्री में आपको बहुत मजे की मीठी रोटी टेस्ट कराई जाएगी। खा के आ जा रहा, चलो इतना मुझे गुस्सा आ रहा है ना, वहाँ मेरी इतना अच्छी इतनी अच्छी वीडियो बन गई, वहाँ पता सब देख रहे थे, सब देख रहे थे और दूसरों को बोलो कि दूसरा ये कि बेइज्जती करा के है ना, और मेरा कैमरा से पहले आए हैं हमारे कबाब चिकन के, लालू के कबाब खा रहे हैं हम बैठ कर। तो गाइस ये चिकन नहीं खाती है वो, नहीं जो सलमान को बुला रहा है। तो मैं इन्हें आज चिकन का कबाब खिलाने वाली हूँ, प्लीज नहीं होगी थोड़ा सा खा के तो देखो। ये पहली मुसलमान लड़की मैंने देखी है जो गोश्त नहीं खाती है, मतलब हमारा गुजारा ही नहीं है बिना गोश्त के, और ये गोश्त नहीं खाती।
और मैं दबा के रख रही थी, यहाँ भी यहाँ भी वहाँ कबाब अच्छे हैं लेकिन कुरैशी से ज्यादा अच्छे। क्या कबाब है, मजे आ गया। लोग धर्म रश हो रहा है, जी हम आए हैं मोहब्बत का शरबत पीने। ये देखिए भैया की शॉप, ये लड़कियाँ, इनकी जिंदगियों में मोहब्बत की कमी है इसलिए शरबत पी के पूरा कर रही है। जिंदगी में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी में बहुत है। तो हम अपना शरबत ले के यहाँ से जा रहे हैं, रास्ते में पिएंगे। घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा है, मतलब इसको यहीं रहना है क्या लाइबा? मैंने कहा था इतने बजे घर आएंगे, 11 बज जाएंगे। यार मैंने बोला 10-11 तो बजेंगे ही, मुझे क्या पता हम लोग इतनी जल्दी फ्री हो जाएंगे। ये जामा मस्जिद की शाही सुपारी जो लाइबा ने घर में भी बनाई थी, मस्जिद आए और गाने वाले में ऑटो में ना बैठे तो फिर मजा क्या है बताओ। ये देखो लड़कियां कैसे बैठी हुई है, कुछ तो गोदे मिलती है भैया। गाने करा लो।